अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना यह है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बेसिक क्लास में देखा जाए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम चीज़ें वही हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल की एग्जांपल, मॉलिक्यूल की टाइप्स, और बस हमने बात ख़त्म कर देनी है। तो मॉलिक्यूल की सबसे पहले अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल बनता किस तरह है, पहले नंबर पर यही याद रखना है। मॉलिक्यूल होता है जी, जब आप दो एटम्स, मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास हाइड्रोजन है ये वाला, और यहाँ मैं क्या कहता हूँ ये हाइड्रोजन है और मेरे पास एक और ऑक्सीजन एटम है। जब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद दरमियान में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये बना देते हैं H2। H2 को हम नाम दे रहे होते हैं मॉलिक्यूल का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मॉलिक्यूल का। मतलब अगर सेम तरह के एटम्स भी आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास सपोज कहता हूँ ये वाला ऑक्सीजन एटम है और ये वाला हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन एटम। जब ये वाले आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद हमारे पास बना देंगे इस तरह का मॉलिक्यूल। यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे और ये हमारे पास क्या है, दरमियान में ऑक्सीजन है, सो ये हमारे पास बन गए H2O और ये भी मॉलिक्यूल है। ये भी क्या हमारे पास मॉलिक्यूल है। मतलब मॉलिक्यूल अमूमन एटम्स के कम्बिनेशन से बन रहा होता है। और ये भी याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा एक ही एटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बाद में मैं कहता हूँ ये हमारे पास नियोन है, नियोन किसी के साथ मिलता ही नहीं है, इस तरह हमारे पास एक ही एटम है और ये एक ही एटम मॉलिक्यूल कहला रहा होता है। एक ही एटम यानी किसी के साथ मिल ही नहीं रहा होता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि खुद आजादाना हवा के अंदर रह सके, यानी माहौल के अंदर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे, खुद ब खुद एटमोसफेयर के अंदर या जहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर एग्जिस्ट करे। सही, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं मॉलिक्यूल का। यानी कि अगर मैं सिंपल बात कहूँ, मॉलिक्यूल ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रही है उसके साथ किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन ना करे। मतलब पानी आपका एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, सही, आप जहाँ मर्जी ले जाओ पानी पानी ही रहेगा, किसी और चीज़ के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। सही है, तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट कह लो या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी शय का सबसे छोटा हिस्सा है, विच कैन एग्जिस्ट, जो के रह सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना रह सके, इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? मॉलिक्यूल का नाम दे रहे होते हैं कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा जो खुद आजादाना तौर पर रह सके, इसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूल का। मतलब आजादाना क्या मुराद है? मैं कहता हूँ मैं पानी का एक गिलास लेता हूँ, पानी का एक गिलास मैंने यहाँ तक भर लिया है, अब ये एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस ये क्या हमारे पास एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस को उर्दू के अंदर शय कहते हैं और सब्सटेंस के अंदर आपकी मैक्सिमम चीज़ें हैं, मिक्सचर वगैरह, मिक्सचर और सब्सटेंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। सब्सटेंस के अंदर आपका आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब इसमें अगर गौर से देखोगे तो इसमें से सबसे छोटा पार्टिकल जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये वाला होगा। वो क्या होगा हमारे पास? ये वाला पार्टिकल होगा। बस ये बात आपने याद रखनी है, हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल जो बार बार रिपीट हो इसको हम नाम दे रहे होते हैं मॉलिक्यूल का। अगर मॉलिक्यूल की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास चंद एक टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल्स की टाइप्स तीन तरीके से बनाई गई हैं। कितने तरीके से हमारे पास बनाई गई हैं मॉलिक्यूल की टाइप की अगर बात करूं तो तीन तरीके कार से हम मॉलिक्यूल की टाइप की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सही है, एक है हमारे पास एटोमिसिटी के हवाले से, एक है हमारे पास एटोमिसिटी के हवाले से, एक हमारे पास टाइप होगी इसकी नेचर के हवाले से, किसके हवाले से, नेचर के हवाले से, और एक इसके होगी जी मॉलिक्यूलर मास के हवाले से, मॉलिक्यूलर मास के हवाले से इसकी टाइप होगी। यानी कि तीन तरह से हम इसकी टाइप्स बना सकते हैं, एक होगा एटॉमिसिटी, एक होगा नेचर, और एक होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के हवाले से। अगर एटॉमिसिटी क्या होता है जी, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ ये हमारे पास मॉलिक्यूल बना है दो एटम से, ये वाला मॉलिक्यूल बना है जी तीन एटम से, ये एटॉमिसिटी है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद है प्रेजेंट जो कि मौजूद होती है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल,
किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यानी हम तीन तरीके से टाइप्स की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एक होती है एटॉमिसिटी के हवाले से, एक नेचर के हवाले से, और एक होगी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से। अच्छा, एटॉमिसिटी की अगर मैं एग्जांपल दूं, एटॉमिसिटी ऑफ H2 इज़ टू, क्योंकि इसमें दो एटम आ रहे हैं इसलिए इसकी एटॉमिसिटी दो है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, एटॉमिसिटी ऑफ H2O इज़ 3। अब इसमें गौर करोगे ना, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, टोटल तीन एटम, इसे हमने कहा जिसकी एटॉमिसिटी 3 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एटॉमिसिटी ऑफ C6H12O6 इज, अब देखो जी इसमें टोटल एटम कितने, 12 हाइड्रोजन है, 6, 18 और 6, 24, इसकी एटॉमिसिटी 24 है। यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आ रहे हैं वो इसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो आपने 9th क्लास में कुछ इस तरह की टाइप्स पढ़ी होंगी, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है। अब इसकी मजीद आगे टाइप्स हैं, एक होता है जी हमारे पास पहली टाइप है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद सेकंड टाइप देखेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा और लास्ट में हम लिखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और लास्ट में हमारे पास आएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या आ जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल। वर्ड पर गौर करोगे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वर्डिंग सही सही है। इसके वर्ड पर गौर करोगे तो हमारे पास है जी मोनो मेन एक होता है वन, यहां मैंने वर्ड लिखा है डाई मीन होता है टू, डाई मीन क्या है हमारे पास टू, ट्राई मीन होता है थ्री, ट्राई मीन थ्री, पॉली मीन होता है मैनी, यानी कि तीन से ज्यादा जितने भी होंगे उसको हम मैनी के जमरे मिलेंगे। यानी ऐसा मालिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो, मालिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम, ये इसकी डेफिनेशन है। ये एटॉमिसिटी के हवाले से देखो, हमने कहा जी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के हवाले से हमने टाइप बनाई, अगर एक एटम होगा किसी मॉलिक्यूल में वो मोनोटॉमिक है, अगर दो एटम होंगे डायटॉमिक है, अगर तीन एटम होंगे तो ट्राई एटॉमिक, अगर तीन से ज्यादा होते तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूल रखे ओनली वन एटम, सिर्फ एक एटम रखे, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है। मॉलिक्यूल हैविंग सेकंड हमारे पास है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूल जो रखे हैविंग टू एटम्स, जो दो एटम्स रखे इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूल जो रखे थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर तीन से ज्यादा एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन थ्री एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन से ज्यादा एटम्स रखे इसको हम नाम दे रहे हैं पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब देखो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल अगर मैं दूं ना, यहाँ पे नोबल गैसेस जो भी जितनी भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक ही एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना देता है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का। क्या नाम दे रहे होते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हो, मसलन हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, दो एटम है, O2 मॉलिक्यूल है, दो एटम है, N2 मॉलिक्यूल है, दो एटम है, इसके अलावा Cl2, इसके अलावा HCl, ये सारे के सारे हमारे पास है जी मॉलिक्यूल है, लेकिन सब में दो दो एटम्स हैं, इसे हम इसको नाम दे दिया डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सबसे पहले O3 ओजोन,
एक ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में तीन एटम, इसे हम इसको नाम दे दिए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर मैं और एग्जांपल दूं तो H2O, इसके अलावा CO2, ये हमारे पास सारी की सारी एग्जांपल्स हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, टोटल तीन है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, टोटल तीन एटम है, सही है। और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हमने कहा जी मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम होंगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसके लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हमारे पास? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तीन से ज्यादा एटम्स हो। मसलन मेरे पास एग्जांपल है तीन से ज्यादा एटम्स वाले काफी सारे हैं, CH4 पॉलीएटॉमिक है, पांच एटम्स हैं। इसके अलावा C6H12O6, 24 एटम है, चेक कर लो। इसके अलावा हमारे पास C6H6, ये आपने पढ़ा जी बेंजीन, 12 एटम है इसमें। ये क्या हमारे पास? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद बच्चे हमारे पास नेचर के हवाले से अगर देखा जाए तो बच्चे दो किस्में, कितनी है? दो किस्में। एक हमारे पास आ जाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हमारे पास क्या होगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास होता है जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट, हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोमीन होता है सेम, होमोमीन क्या होता है? सेम होता है, हेट्रोमीन होता है डिफरेंट। होमोमीन सेम, हेट्रोमीन डिफरेंट। अब क्या मतलब सेम डिफरेंट? होमोएटॉमिक जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो मॉलिक्यूल के अंदर, उसको नाम देंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दोज मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन मेरे पास ये चेक करो, हाइड्रोजन दो एटम है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन के हैं, दो एटम है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन के हैं, सही। इसके अलावा P4 चार एटम है, चारों के चारों फास्फोरस के हैं, सही। इसके अलावा S8 सल्फर, आठ एटम है, आठ के आठ ही सल्फर के हैं, सही। इसके बाद हमारे पास और देखे जाए तो Cl2 दो एटम है, दोनों के दोनों क्लोरीन के हैं, ये हमारे पास आ गई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर होमोटॉमिक के बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाए तो हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल देखें, वर्ड हेट्रोमीन होता है डिफरेंट, हेट्रोमीन क्या होता है? आपने शायद बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो ये होमोजाइगस जिसमें एक ही तरह की चीज़ें हों या जीन हों उसको होमोजाइगस का नाम दे रहे होते थे, हेट्रोजाइगस जिसमें डिफरेंट तरह के जीन या अलील आ रहे हों उसको हेट्रोजाइगस का नाम देते थे। सेम काम है, हेट्रोमीन होता है डिफरेंट, एटॉमिक में जिसमें मुख्तलिफ तरह के, एक से ज़्यादा तरह के एटम्स आ जाएँ उसको हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ, दोज मॉलिक्यूल विच consist of different, ऐसे मॉलिक्यूल जो के मुश्तमिल हों different types of atom, different types of atoms, मुख्तलिफ तरह के atoms पर मुश्तमिल हो, इसको हम नाम दे रहे होते इस कार्ड heterotomic मॉलिक्यूल। इसको क्या नाम देंगे? heterotomic मॉलिक्यूल का नाम देंगे। मुझे अगर इसकी एग्जाम्पल देखी जाए heterotomic मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे HCl दो तरह के एटम है, इसके अलावा C6H12O6, ये भी हेटरोटॉमिक, तीन तरह के, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, तीन तरह के एटम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है वाटर, दो तरह के एटम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये था जी हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बच्चे इसकी भी मजीद आगे दो किस्में हैं मॉलिक्यूलर मास के हवाले से। एक होता है जी हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, एक क्या होता है हमारे पास? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और एक होता है जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों में अगर देखा जाए ना, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, बस ये बात याद रखना है।
दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव, जो रखे हैं विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। इसको क्या नाम देंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल का। अब हाई की जगह देखो माइक्रोमीन होता है, जैसे माइक्रोस्कोप है, छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही, सेम इसी तरह हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, उसको हम नाम देंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल विच हैव, दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव, जो रखें, विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल। इसको क्या नाम देंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल। आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ मैक्रोमॉलिक्यूल को डिस्कस किया, माइक्रो को नहीं किया, तो हम भी इसी को सोशन एक्सप्लेनेशन करेंगे। बच्चे यहाँ पर आपकी बुक वाला एग्जाम्पल दे रहा है हीमोग्लोबिन। क्या चीज़ है? हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पहले नंबर पर याद रखिएगा, आप में ऑक्सीजन, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, यानी कि वो प्रोटीन है जो आपके जिस्म एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन लेके जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन को लेके जाने वाली प्रोटीन है। और ये पाई कहाँ पर जाती है? इन ब्लड, सिर्फ उसे ब्लड के अंदर पाई जाएगी, जो जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोटीन को लेके जाती है। सही। अब इसमें ना दो चीज़ें याद रखिएगा, पहले नंबर में इसका नंबर ऑफ एटम याद रखें, नंबर ऑफ एटम्स हीमोग्लोबिन के अंदर तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। इसके बाद इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए, मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं, तो बच्चे इसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन की निस्बत 68,000 गुना ज्यादा होता है। इट हैज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन से 68,000 गुना भारी होता है। सही है। तो ये था जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स में टाइप्स की बात की। टाइप्स क्या होती है? हमारे पास तीन बेसिस पे हमने टाइप्स बनाई, एटॉमिसिटी के हवाले से, नेचर के हवाले से, और मॉलिक्यूलर मास के हवाले से। अगर एटॉमिसिटी के हवाले से देखा जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो देख के हम उसको नाम दे रहे थे एटॉमिसिटी का। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम है उसकी एटॉमिसिटी 2 है, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इस मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए 6 जमा 12 18 18 और जमा 6 24 एटम, इसलिए हमने कह दीजिए इसकी एटॉमिसिटी 24 है। इसके बाद हमने कहा जी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ट्राइमीन 3 होता है 3 एटम हो। सही। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल दे दिए। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि 3 से ज़्यादा जिसके अंदर भी एटम्स आएंगे उसको पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सेम ही तरह के एटम हो, देखो 2 एटम है दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, 4 एटम है चारों चारों फास्फोरस है, 8 एटम है 8 के 8 ही सल्फर है, 2 एटम है दोनों के दोनों क्लोरीन है, यानी जिसमें सेम तरह के एटम हो उसको होमोटॉमिक कहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स मौजूद हों, क्या हो, एक से ज्यादा तरह के एटम्स मौजूद हो। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास के हवाले से अगर देखा जाए, जिसके दो टाइप्स हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो हम जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, और माइक्रोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। मॉलिक्यूलर वेट हाई की हमने एग्जांपल दी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अगर नंबर ऑफ एटम देखे जाए तो 10,000 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सही। इसका मॉलिक्यूलर मास देखा जाए तो हाइड्रोजन से 68,000 गुना ज्यादा होता है। बच्चे ये बाज़ ऑफ एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा एमसीक्यू के हवाले से। बस ये दो चीज़ें एमसीक्यू के हवाले से, बाकी सारी देख लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए, पास पेपर में कभी भी इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। हाँ, आने को आ सकता है,
लेकिन कम से कम अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं बच्चे, आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और एग्जांपल कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल की एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ये जितनी भी एग्जांपल्स लिखी हैं सारी की सारी किसकी हैं, जितनी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सारी की सारी क्या है, मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ से कोई भी उठा के यहाँ मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल में पुट कर सकते हैं। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।